फ्लैश न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। कुसुमपुर पहाड़ी इलाके में सुमित नाम के युवक की चाकू से गोद कर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। राजधानी दिल्ली के बसंत विहार थाना के अंतर्गत कुसुमपुर पहाड़ी में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बुधवार देर रात सुमित नाम के युवक की हत्या उसके दोस्तों के द्वारा घर के बाहर बुलाकर की गई थी। इस हत्या के मामले में परिवार वालों ने आपसी रंजिश का शक जताया है और कहा है कि मृतक सुमित को उसका दोस्त देर रात उसको बुलाने आया था और कुछ समय बाद उसकी चाकू से गोद कर हत्या कर दी थी। इस मामले में वीरवार की सुबह डीसीपी साउथ वेस्ट ने बयान जारी करते हुए कहा कि पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी बुधवार की देर रात, जिसमें पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां पता चला कि एक युवक जिसका नाम सुमित है उसको चाकू मार दिए। उसके परिवार वाले हॉस्पिटल ले गए हैं, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है, जिसके बाद हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। आरती मैम, क्या हुआ रात में, यहाँ पे क्या जानकारी? कुछ भी नहीं हुआ था, इनके भाई की लड़की का बर्थडे था, वो लोग खा पी रहे थे वहाँ पर। उसकी छोटी बहन उसको छोड़ने भी आई थी गली तक। वो लड़के उसको बोल रहे बहन तुम घर जाओ, हम उसको लेके आ रहे हैं। वो लड़का जो था जूड़ी, वो उसको घर से लेके गया था, यहाँ से लेके गया। उसने पता नहीं क्या करवाया क्या नहीं करवाया, उसको मार तोड़ के फिर वो यहाँ पर आया है हमारे घर पे। यहाँ पर इसकी मम्मी को बोल के गया है कि तुम्हारे लड़के को, तुम्हारे लड़के की लड़ाई हुई भी नहीं, कहा उसको मार के डाल दिया। ये बोला है कि तुम्हारे लड़के की लड़ाई हो गई है, उसको ले आओ जाके। तो ये सब भागे, इनके पीछे हम भागे, तो लड़का पूरा ऐसा लिटा पड़ा है अकेला, पूरी सड़क पर कोई नहीं था, सुनसान एकदम अंधेरा था, अंधेरे में फेंक के चले गए उसके, कोई भी नहीं था। किस चीज़ का वार है? चाकू का वार है सर, चाकू एक नहीं है, कम से कम 20 चाकू है, उसके अंदर भी चाकू फंसा हुआ है, उसके अंदर भी, उसके सर में भी चाकू मारे, सर में भी चाकू मारे। बचने की तो कोई मिथ नहीं था, उसका दम तो यहीं पे निकल गया था, जो थोड़ी वो जो सांसें चल रही थी ना, बस वो ही थी, कुछ था ही नहीं उसके अंदर। उसका ब्लड अनलिमिटेड ब्लड बहा है उसका। रात में बर्थडे था, बर्थडे था बच्चे का, भतीजी है, भतीजी है उसका बर्थडे था, लेकिन पार्टी वार्टी तो खत्म हो गई थी। मेरा नाम गुड्डी है। गुड्डी, बर्थडे किसका था? मेरी बेटी का था। अच्छा। मेरी बेटी का नाम अनुष्का है, उसका बर्थडे था, तो घर घर के लोग थे, कोई बाहर का कोई भी नहीं था। ये सब भाई भाई, दो तीन भाई हैं इनके भाई और मेरे पति वगैरह, ये घर के बच्चे थे, बर्थडे मना रहे, उन्होंने पी खा ली तो उनको घर तक छोड़ आए, आके उनको कहाँ से उठाया पता नहीं, उनको देखा तो घर पे दो लड़कों ने जाके बताया, दरवाज़ा खटखटाया, बस आधे घंटे में, आधे घंटे के अंदर ही अंदर हम लोग जगे हुए थे, जब दरवाज़ा बंद कर लिया, घर में लेटे हुए थे, उन्होंने बताया कि उनकी लड़ाई हो गई। तो हमने बोला कि लड़ाई होगी होगी कि चाकू भी मारा है, तो मैंने कहा छोटी मोटी हुई, हम जब तक आए तो जब तक तो पूरा खून, इतने खून बहे, मैंने अपने हाथों से उठाया उसको, अपने हाथों से उठाया, इतने सारे खून बहे हुए इतने। किसने, कौन आया था बुलाने के लिए? दोस्त थे उसके, दोस्त है, उनको पूछताछ के लिए ले गए थाने में, उनके दोस्त कच्चे ना, आपसी रंजिश थी या फिर कोई दुश्मनी थी पहले? दुश्मनी होगी, ऐसे कैसे कोई किसी को चाकू मार देगा? आरोपी है कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं कहीं है अभी पकड़ में, तो पता नहीं कौन कौन आए कहा नहीं, जिन लोगों ने, हमारे पड़ोस में रहते हैं, जो जिन्होंने बताया था कि तुम्हारे उनको चाकू चाकू मार दिए, और देखे इतने सारे चाकू फंसे हुए उसके अंदर, उठाया गोद में चाकू निकल निकल के गिर रहे शरीर से। सुमित क्या लगता है? देवर है जी। क्या नाम है आपका? मेरा बेबी नाम है। क्या है भाई, कौन लगता है आपके? मेरा भाई है सुमित, छोटा भाई। रात में क्या हुआ? उसको मर्डर कर दिया रात को किसी ने, एक दोस्त आया था रात को घर पे बुलाने, कहा सुमित को भेज दो छोटी बहन को, बोला उसने, उसने बोला कि मतलब मैं नहीं भेजूंगी, तो उसने कहा नहीं दो मिनट का काम है जरूरी भेज दो। फिर उस लड़के ने शायद उसको मतलब फ़ोन करा था उसको, तो वो बहन ने अंदर से कुंडी मार ली, ताला लगा दिया कि नहीं जाएगा। उसने कहा नहीं बहन सिर्फ दो मिनट के लिए मुझे जाने दे, उसने कहा नहीं जाएगा, ताला बंद कर दिया मैंने, तो कह रहा है नहीं जाएगी, जाने देगी तो ताला मतलब छत से कूद के चला जाऊँगा मैं। उसके बाद सर वो लड़का आधे घंटे के बाद आया था, बोला मेरी बहन से कि सुमित की लड़ाई हो रही है वहाँ पर उसने ये नहीं बताया कि उसको मार के डाल दिया है किसी ने। तो हमें सर और कुछ नहीं बोला, बस हमें ये बोलना हमें इंसाफ चाहिए बस, जिन्होंने ये करा है आगे किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो। कौन है दोस्त, क्या नाम? उसका जूड़ी नाम है, सूरज भी बोलते हैं उसको, जो लड़का हमारे घर पे आया था उसको बुलाने।